हिमाचल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे का भाजपा को मिलेगा लाभ, ये बात भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। अनुराग ठाकुर ऊना रेलवे स्टेशन पर अंब इंदौरा से अंबाला के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने पहुंचे थे। इसके साथ ही अनुराग ने ऊना रेलवे स्टेशन पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कूड़ादान स्थापित करके स्वच्छता का संदेश भी दिया। अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक वीरेंद्र कंवर और पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा भी शामिल रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल 19वां राज्य होगा जहां भाजपा विजय पताका फहराएगी। अनुराग ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हैं। अनुराग ने कहा कि आज प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़ा है। MEMU ट्रेन जो अंब इंदौरा से लेकर अंबाला तक चलेगी, आज उसका शुभारंभ यहां से किया गया है। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और रेलवे के अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि ऊना को, अंब इंदौरा को, जिला ऊना को एक बड़ी सौगात दी है। मुझे कांग्रेस जिस तरह से अलग थलग पड़ गई है, पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। 18 राज्यों के बाद 19वां राज्य हिमाचल होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और जनता की पुकार भाजपा सरकार, हिमाचल की पुकार भाजपा सरकार, जन जन पुकार रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की सड़कों का आप एक सर्वेक्षण कर लीजिए, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। हिमाचल से पानी दूसरे राज्यों में जाता, लेकिन हिमाचल के लोगों को पर्याप्त पीने का पानी बरसातों में भी नहीं मिल पाया। बच्चों का अपहरण, हत्या आम बात हो गई है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार आम बात हो गई है। देवभूमि शर्मसार हुई है। देवभूमि को बचाना है तो कमल का फूल खिलाना है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिमाचल के प्रस्तावित दौरे पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के शुभ चरण हिमाचल में पड़ेंगे तो इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। अनुराग ने कहा कि आज कांग्रेस के ही आधे से ज्यादा लोग राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। देखिए, कांग्रेस में आधे लोग तो राहुल गांधी जी को अपना नेता नहीं मानते और विशेष तौर पर वरिष्ठ लोग ही उनके खिलाफ टिप्पणी करते रहे, अपने हाईकमान के खिलाफ टिप्पणी भी करते रहे। तो जहां जहां वो गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। मैं मानता हूं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि राहुल गांधी जी के चरण हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले हैं। एक बार फिर एक और राज्य में कमल खिलने वाला है।